आज से 10-20 वर्ष पहले किसी मिडिल क्लास का प्लेन में बैठना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन इस सपने को सच किया जेआर गोपीनाथ और उसके दोस्तों ने मिलके। इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला लड़का, जो 100 बार नाकामयाब होने के बाद भी भारत की सबसे लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू स्टोरी बेस्ड सरफिरा मूवी जो कि गोपीनाथ के जीवन से प्रेरित है को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भी ऐसे लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग को दिखाते हुए होती है, जहां वीर माथुरे अपने एक दोस्त के साथ मिलकर क्रैश लैंडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करी है दरअसल वो एयरवेज का एरिया है, जिस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हमें 7 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वीर माथुरे एक गांव में रहता है और आज उसे लड़की देखने वाले आए हैं। जो लड़की उसे देखने आई थी वो अभी तक 20 लड़कों से रिजेक्ट हो चुकी है। बाय द वे, इस लड़की का नाम है रानी। अब वीर उसे बताता है कि वो भी 20 बैंकों से लोन लेने में रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद वो रानी को अपने प्लान के बारे में बताता है, जो कि सबसे सस्ती एयरलाइन शुरू करने का है। वीर के पास और भी जमीनें थी, फिर भी वो उसी गांव में रहता था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि वीर एक बहुत गुस्सैल और क्रांतिकारी सोच वाला लड़का है, जो एक स्कूल मास्टर का लड़का है। अपने गांव में ट्रेन शुरू करवाने के लिए वो आंदोलन करता है, लेकिन उसके पिताजी की सोच बिल्कुल अलग है। वो चिट्ठियां लिखकर अर्जी देने में विश्वास करते हैं। फिर एक दिन वीर का अपने पिताजी से झगड़ा हो जाता है और उसके पिताजी उसे चाटा मार देते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर गांव से बाहर निकालने के बाद वो एयरफोर्स ज्वाइन करता है, जहां उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। यहां उनका एक कमांडर था जो कि बहुत टॉर्चर किया करता था, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था। कुछ साल बाद एयरफोर्स में काम करने के बाद वो एयरफोर्स को छोड़ देता है, लेकिन वो रानी को नहीं बताता कि उसने एयरफोर्स क्यों छोड़ी। फिर वीर शादी के लिए मान जाता है, लेकिन रानी उसे रिजेक्ट कर देती है। दरअसल वो भी अपने एक बेकरी का बिजनेस खोलना चाहती है। फिर वो कहती है, अगर तुम अपने एयरलाइन में कुछ कर लो या मैं अपनी बेकरी में कुछ कर लूं, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वीर माथुरे कुछ पैसे जोड़ने के बाद वो एक बिजनेस क्लास का टिकट खरीदता है। टिकट खरीदने के बाद वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है, जहाँ एक लेडी को बहुत सामान ले जाने के लिए मना कर दिया जाता है, इसलिए उसका कुछ सामान वीर ले लेता है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। बाद में हमें पता चलता है कि वो जो लेडी थी वो एक न्यूज रिपोर्टर थी और वीर उसे बताता है कि आज उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसके बाद हम प्रेस गोस्वामी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक एयरलाइन कंपनी का मालिक है, जो कि बहुत खड़ूस है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उससे आगे निकले। वीर ने जो टिकट ली थी वो उसी आदमी से 10 मिनट बात करने के लिए ली थी, लेकिन प्रेस गोस्वामी गरीबों से बहुत नफरत करते हैं, जिसके बाद प्रेस गोस्वामी को बिजनेस क्लास में सफर करते देखते हैं। उन्हीं के बाजू में वीर माथुरे बैठा हुआ था। फिर वो उसे अपने आइडिया के बारे में बताता है, जो कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करने का था। अगर हमारा ये प्लान कामयाब हुआ तो हर कोई गरीब इंसान प्लेन में सफर कर पाएगा। फिर प्रेस गोस्वामी कहते हैं कि वो यही तो नहीं चाहते कोई गरीब इंसान उसके बगल में आके बैठे। फिर प्रेस गोस्वामी लोगों से वीर को इकोनॉमी क्लास में भेजने के लिए कहता है, लेकिन वो बिजनेस क्लास से नहीं जाता क्योंकि उसने बिजनेस क्लास के पैसे दिए थे। फिर प्रेस गोस्वामी को गुस्सा आ जाता है और प्लेन को वापस एयरपोर्ट में लेने के लिए बोलता है, क्योंकि टिकट बेशक वीर का था लेकिन प्लेन प्रेस गोस्वामी का था। फिर वीर इस आइडिया को बहुत से लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं रहा था। फिर कहीं जाके उसकी एक एजेंट बात सुनता है, जो प्रेस गोस्वामी के पास ही काम करता था। उसे वीर माथुरी का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर इस पे वो काम करने के लिए वो आगे बात करता है। फिर वीर माथुरी बहुत सारे लोगों के साथ मिलके फंडिंग जमा करता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो एयरक्राफ्ट कहाँ से लाएंगे। तो वीर बताता है कि वो एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरलाइन से लाएगा, लेकिन इसके लिए उसे लाइसेंस की जरूरत थी, लेकिन वो बिना लाइसेंस के एयरक्राफ्ट को बुकिंग कर देता है ताकि कोई और उसे खरीद ना ले। अब रानी भी अपने बेकरी का बिजनेस शुरू कर देती है और वीर को इसके बारे में पता चल गया था और अब वो दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं। अब वीर को एक ही काम करना था कि उसे लाइसेंस बनवाना था। वो लाइसेंस के लिए 3 महीने तक कोर्ट में चक्कर लगाता है, लेकिन उसे लाइसेंस नहीं मिल रहा था। उसका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा था। अब वो समझ गया था कि ऐसे उसका काम नहीं बनेगा।
उसके बाद वो उसी लेडी की मदद लेता है जो उसे एयरपोर्ट पर मिली थी। दरअसल एक स्पीच के लिए एपीजे अब्दुल कलाम कहीं आने वाले थे, तो वीर माथुर उस लेडी के साथ एक न्यूज रिपोर्ट बन के वहाँ जाना चाहता था। वो फिर मीडिया बन के वहाँ पहुँच जाता है जहाँ एपीजे अब्दुल कलाम अपनी स्पीच दे रहे थे। तभी वहीं बीच में वीर माथुर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि देश में मौका मिलना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही वो बहुत चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें कह रहा था। फिर पुलिस वाले उसे बाहर निकालने लगते हैं। फिर प्रेसिडेंट वीर को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। फिर वो अपने फ्लैशबैक के बारे में बताता है। जब वो एयरफोर्स में था तब उसकी माँ का फोन उसके पास आया। उसे बताया गया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो जल्द से जल्द घर आ जाए, वो आखिरी बार उसे देखना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वीर तुरंत एयरपोर्ट जाता है क्योंकि उसे जल्द ही गाँव पहुँचना था। लेकिन वो एयरपोर्ट तो चला गया था लेकिन उसके पास 5,000 रुपए कम पड़ गए थे, इसलिए उसे प्लेन में बैठने नहीं दिया जाता। वो वहाँ के लोगों से मदद भी मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। फिर वीर अपने घर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार भी किसी और ने कर दिया था। उस दिन के बाद वीर ने सोच लिया था कि भारत की सबसे लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करेगा। फिर क्या, प्रेसिडेंट के चलते उसे लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। फिर वीर को पता चलता है कि उसकी अमेरिकन एयरक्राफ्ट की डील कैंसिल हो गई थी। दरअसल न्यू रूल के मुताबिक ब्लूप्रिंट देना जरूरी है, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उनके ऊपर 50,00,000 का फाइन भी लगता है। फिर बाद में वीर को पता चलता है जिस आदमी से उसने डील करी थी वो दरअसल प्रेस गोस्वामी का ही आदमी था। उसका यही काम था, वो पहले तो सामने वाली पार्टी का सारा प्लान जान लेता था और उसे ऐसा कर देता था कि वो रोड पे आ जाता था। फिर वीर सीधा प्रेस गोस्वामी के पास जाता है अपना गुस्सा निकालने के लिए। दरअसल जो एयरक्राफ्ट की डील हुई थी वो प्रेस गोस्वामी ने ही कैंसिल कराई थी। उसके बाद वीर अपने घर पहुंचता है। फिर उसे वहां पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन अब वीर तो पूरी तरह से जीरो हो चुका था। लेकिन जब वो अपनी वाइफ से चिड़ियों के बारे में बात कर रहा था तो उसे एक आइडिया आता है कि वो कार्गो प्लेन को पैसेंजर प्लेन के रूप में बदलेगा। फिर ये आइडिया वो अपने दोस्तों को बताता है जिन्होंने एयरफोर्स उसके साथ ही छोड़ी थी। जिस प्लेन को वो पैसेंजर प्लेन में बदलने वाले थे, दरअसल वो कार्गो प्लेन से आधी ऊंचाई पे उड़ते थे, इस वजह से उनमें फ्यूल भी कम लगता था। कार्गो प्लेन में 200 लोग होते थे लेकिन हमारे में सिर्फ 70 होंगे, लेकिन उसके लिए भी उसे 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। लेकिन वीर का तो बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था, लेकिन अब वीर का साथ उसके गांव वाले देते हैं। वो सब अपनी जमीन गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वीर और उसके दोस्त अपनी एयरलाइन का नाम डीकेन एयर रखते हैं। अब सारी तैयारी हो चुकी थी, उसका एयरलाइन पूरी तरह से तैयार हो चुका था और वीर माथुर का पायलट प्लेन की टेस्टिंग कर रहा था। तभी अचानक से उसके फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो डगमगाने लगता है। प्लेन क्रैश होने ही वाला था, इसलिए वीर ने प्लेन को एयरफोर्स के इलाके में लैंड करा दिया था, जिसके चलते वीर को और उनके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर वहाँ वही कमांडर आ जाता है और उन सब को छोड़ देता है, क्योंकि जो उन्होंने सपना देखा है वो आम नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत प्रॉब्लम सामने थी। तब वो एक मिनिस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं अगर ये एयरलाइन शुरू हो गई तो आपका इसमें बहुत फायदा होगा। ये सुनने के बाद वो वीर की बात मान जाता है। फिर मिनिस्टर के समेत सब लोग प्लेन में बैठते हैं। जो एयरक्राफ्ट था वो अपनी पहली उड़ान भरने वाला था, लेकिन ऊपर जाते ही एक लीकेज के कारण उसमें धुआं निकलने लगता है, जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। यहाँ सबकी जान जाते जाते बचती है। इसके बाद मिनिस्टर वीर को बोलता है तुम्हारी एयरलाइन कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी और उनकी डील भी टूट जाती है, कि जो 1 रुपए की टिकट दे सकता है उससे सेफ्टी की क्या ही गारंटी रख सकते हैं। और कोई भी वीर माथुर के प्लेन में बैठने नहीं चाहता था क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। फिर वीर को पता चलता है कि इन सब में उसका पायलट की गलती थी क्योंकि वो प्रेस गोस्वामी से मिला हुआ था। और फिर जब कमेटी बैठती है तो उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है और उसका पायलट सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। और आज प्रेस गोस्वामी टीवी पर आने वाला था और सबको अपनी बात बताने वाला था, तो वीर भी अपनी बात कहने के लिए एफएम रेडियो में पहुंच जाता है। बेशक वहां उसकी बातें बहुत कम लोग सुनेंगे। फिर प्रेस गोस्वामी कहता है अगर कोई आपको प्लेन की टिकट 1 रुपए में देता है तो समझ लीजिए कि आपकी जान कितनी सस्ती है। फिर वीर माथुर बोलता है कि जिस तरह से सभी एयरलाइंस ने सभी टेस्ट पास किए हैं उसी तरह हमारी एयरक्राफ्ट ने भी सभी टेस्ट पास किए हैं और 25 अगस्त को वो अपनी एयरलाइन दोबारा शुरू करेगा, भले ही कोई आए या ना आए, लेकिन मैं अपने एयरक्राफ्ट में अपने सबसे करीब 3 लोगों को बैठाना चाहूंगा, वो है मेरी माँ, मेरी वाइफ और मेरी 8 दिन की बेटी। इतनी बार नाकामयाब होने के बाद भी वीर एक और बार रेडी था, या कहो आखिरी बार। वीर अपने एयरक्राफ्ट तक पहुँचता है।
पायलट भी आ चुका था। अब बस उसे ये देखना था कि उसे एयरक्राफ्ट के लिए कितने लोग टिकट बुक करते हैं। लेकिन बहुत देर हो गई थी, यहाँ उसकी वाइफ और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं आया था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वो वापिस जाने लगता है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और उसके बताते हैं कि हमारी टिकट लोगों ने बुक की थी, लेकिन एक बग के कारण सारी टिकट कैंसिल हो गई। यहाँ तक कि 3 दिनों तक की बुकिंग हो चुकी है। इसका मतलब एक और बार लोगों ने उन पे विश्वास किया है। और यहाँ पहली बार उसकी माँ ने प्लेन में सफर किया था और वीर के गांव वालों ने भी पहली बार प्लेन में सफर किया था। जो उसने सपना देखा था पूरा कर दिखाया था, भारत की सबसे लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करने का। आखिरी में सूर्य भाई भी वीर के प्लेन में सफर करते हैं और यहाँ पर हमारी मूवी एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।